अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाइए क्या हाल चाल है मेरी बहनों का, भाइयों का? हस्बे आदत पूछना मेरा फर्ज है, मेरी मम्मी और मेरी आंटीज का और जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आज मैंने एक दो स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लवली कमेंट्स थे, मुझे बड़ा मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। बहुत अच्छा लगा कि वो भी मेरी जो है वीडियो देखती है या देखते हैं। और सुनाइए सब खैरियत है? तो आज जो है मैं बड़े मजे की जो है ना रेसिपी बना रही थी, और अभी मैं शाम का टाइम आपको दिखा रही थी, अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी अपनी बहनों को बना के दिखाऊं मैं क्या खाना बना रही हूँ, साथ साथ मैं बाहर का सीन भी दिखाऊं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का सीन। तो मैं जो आज बना रही हूँ बड़े मजेदार जो है ना बुरानी बंजान, ये रेसिपी है अफगानी रेसिपी है, ये एग प्लांट के साथ बनती है। और ये जो बुरानी बंजान है ये मैंने खाई थी अपनी दोस्त के घर, जिसकी वजह से मुझे ये इतनी अच्छी लगी थी ना कि मैंने कहा मुझे आप रेसिपी दे मैं भी बनाऊंगी। तो फिर मैंने ये रेसिपी लेके घर आके एक दफा ट्राई की, जो मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने कहा आज दोबारा बनाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद आई थी ये रेसिपी, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। और अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाइए क्या हाल चाल है मेरी बहनों का, भाइयों का? हस्बे आदत पूछना मेरा फर्ज है, मेरी मम्मी और मेरी आंटीज का और जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आज मैंने एक दो स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लवली कमेंट्स थे, मुझे बड़ा मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। बहुत अच्छा लगा कि वो भी मेरी जो है वीडियो देखती है या देखते हैं। और सुनाइए सब खैरियत है? तो आज जो है मैं बड़े मजे की जो है ना रेसिपी बना रही थी, और अभी मैं शाम का टाइम आपको दिखा रही थी, अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी अपनी बहनों को बना के दिखाऊं मैं क्या खाना बना रही हूँ, और साथ साथ मैं बाहर का सीन भी दिखाऊं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का सीन। तो मैं जो आज बना रही हूँ बड़े मजेदार जो है ना बुरानी बंजान, ये रेसिपी है अफगानी रेसिपी है, ये एग प्लांट के साथ बनती है। और ये जो बुरानी बंजान है ये मैंने खाई थी अपनी दोस्त के घर, जिसकी वजह से मुझे ये इतनी अच्छी लगी थी ना कि मैंने कहा मुझे आप रेसिपी दे मैं भी बनाऊंगी। तो फिर मैंने ये रेसिपी लेके घर आके एक दफा ट्राई की, जो मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने कहा आज दोबारा बनाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद आई थी ये रेसिपी, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। और अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने जो है ना बैंगन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये एग प्लांट बैंगन को कहते हैं, इसके साथ हम अपनी बनाएंगे रेसिपी अफगानी। तो इसमें क्या क्या जाएगा ये मैंने वैसे काट के रखे हैं, काले हो जाते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं स्प्रिंकल करूंगी नमक, ये देखिए मेरे पास नमक है, इनको थोड़ा स्प्रिंकल करके ना फिर मैं इनको फ्राई करूंगी, ठीक है। मैंने एक साइड पर लगाई थी, एक साइड पर आपके सामने लगाना चाहती थी। उसके अलावा इसमें मसाले ही जाएंगे, हल्दी, इसमें अनारदाना का जो होता है ना वो पाउडर वो जाएगा, सूखा धनिया, जीरा मिर्च इसमें वो भी डालूंगी, हल्दी जाएगी और सारी सुगंध जाएगी, दो टेबल स्पून नमक जाएगा, जरा मिर्च आपको पता है ये तुर्की वाली है, इसमें इतना वो नहीं होता, स्पाइसी नहीं होती। प्याज कच्चा जाएगा, टमाटर कच्चे जाएंगे, टमाटर पेस्ट डालेंगे, अभी ये वाले मैंने काट के इनको फ्राई करना, लेकिन मैंने अलग रखे ट्रे में इतनी जगह नहीं थी। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, सब्ज़ी मिर्ची जाएंगी, इसके साथ हमारी जो है ना ये अफगानी डिश बनेगी। और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, टाइम बहुत हो गया और आज रेस्ट रेस्ट रेस्ट, आज मैंने फुल रेस्ट किया, आज संडे था और आज बहुत जो था ना मेरा मजे का दिन था, सारी फैमिली घर थी, बड़ा मजा आया, गप्पे शप्पे खाते रहे, ब्रेकफास्ट सुबह हस्बैंड मेरे यहाँ 6:30 7 बजे जो आपको पता नमाज पढ़ती, उसके बाद ये इनको दिन होता है, सुबह काम पे हो फिर तो नहीं, अगर काम पे ना जाए तो फिर ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का, उसके बाद थोड़ी सी गप्पे फेमस होगी, फिर मैं 10:30 बजे उठी और मेरी छुट्टी ना, उन्होंने बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट बना के दिया और मैं सोई थी, और उसके बाद फिर मैंने उठ के जो है ना फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, और पूरा दिन ऐसे ही हमारा गुजर गया करते करते, और कुछ पाकिस्तान बातें की, और आज लेट होगी थी, मैंने कहा चले मैं रेसिपी वैसे बना चुकी हूँ, बहुत मजे की है, और जो मेरी खानी दोस्त है ना बर्लन में गई थी, तब उन्होंने मुझे दिखाया था, पहले तो मैंने खाना उनके घर खाया ना, वैसे तो मिलती नहीं उनके साथ, बेटे की वजह से मेरी उनके साथ काम हुई थी, तो मेरे बेटे की कोली गए, उन्होंने मुझे रेसिपी दी थी और बहुत मजे की रेसिपी है। तो अब हम शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ इसका प्रोसीजर क्या बनाने का, तो टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन साथ साथ बातें होती रहती है, आपको पता बातों की तो वैसे ही हमें बड़ा शौक है, उसके बाद ना पैसा सुन दिया, तो बात ठीक है। तो अब हम अपनी बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये बैंगन है इनको हमने दोनों साइड पे नमक लगा दिया था, इसको हम करेंगे हल्का सा फ्राई, चूल्हे को मैं कर लेती हूँ फुल स्पीड पे, इसको हमने करना है फ्राई, ऑयल मैंने डाला इसके अंदर 3 टेबलस्पून अपनी कढ़ाई में, और ये इसी में मैंने बनाने हैं, तो ये बड़े मजे की रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें प्याज कच्चा जाएगा, टमाटर को जो हम दम देंगे तो उस वक्त डालेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, अगर आपके पास लहसुन वो जो अदरक है ना अपना लहसन जो है फ्रेश है तो उसको आप छोटा चॉप करके वो डाल सकते हैं, ऑयल में टमाटर सॉस जो है वो डालने, उसके बाद मसाले डालने, सब्ज़ी डालनी है, और आपका मसाला एक साइड पे रेडी हो जाएगा, दूसरी साइड पे हम जो है वो आलू भी जाएंगे, वो मैंने भी छीले नहीं थे, मैंने कहा आलू जो है बैगन को करूँ फ्राई, उसके बाद आलू को छीलूंगी, मैंने चूल्हा कर दिया तेज, इनको फ्राई करके, तो फिर मैं आपको अगला प्रोसीजर दिखाती हूँ। और ये बड़े मजे की रेसिपी है, जरूर मेरी सारी ट्राई कीजिएगा, मेरे हमारे पहले तो बनी है, मैं तो खा के आई थी ना बर्लन में, तो मेरे बेटे जो है हमारा खाना क्या था हम थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी रेसिपी, तो हैवी जो है ये पूरी दुनिया में होते हैं बैगन, तो ये देखिए छोटे साइज के बैंगन लिए थे, बड़े भी होते हैं वो थोड़े से ज्यादा मोटे से होते हैं, ये छोटे साइज के वैसे छोटे भी होते तभी चल जाएगा, तो इसको हम साथ साथ काटते जाएंगे और साथ साथ जो है हम फ्राई करते जाएंगे, तो जब हम प्रोसीजर पूरा जो है कर चुके हैं बैगन फ्राई का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मसाला कैसे बनाना, उसको हम कैसे। ये देखिए मैंने जो अपने बैंगन है सारे फ्राई कर लिए हैं, ठीक है, इसके लिए मुझे तो बस 20 से 25 मिनट लगे हैं, अब जो ये मेरे बैंगन है उनको मैं बड़े आराम से उन सबको मैं निकालूंगी, कितने आपने फ्राई करना है, आपको मैं ऑयल भी दिखाती हूँ, मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ इसके अंदर और बैंगन को फ्राई करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा छोटा सा फ्राई है जिसमें मुझे बैंगन ज्यादा थे बैंक 2 किलो, इन सबको मुझे फ्राई करना था, फ्राई करने के बाद जो है ये असल इसकी जो है ना रेसिपी शुरू होगी, अभी तो सिर्फ जो है हमने फ्राई किया इसको, अब ये देखिए मेरे पास कितना ऑयल है, ये मेरे बैंगन जो मैंने फ्राई किया सारे वो मसाले हैं, प्याज है, टमाटर है और साथ इसमें जीरा जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास मैं आपको जरा नजदीक से दिखाना चाहती हूँ, मसाला बनाना उसमें ऑयल कितना होगा, इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून जिसमें मैंने फ्राई किया था वही है, बाकी जो ऑयल हम बाद में इस बैगन के साथ जब डालेंगे ना दम पे, तो फिर हम ये वाला सारा इसमें डालेंगे, अब मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आपको पता है मैं घर में बना के रखती हूँ, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये इसके अंदर हम लोग प्याज नहीं डालेंगे, प्याज में सिर्फ प्याज में डालेंगे, ठीक है, इसको हल्का सा हम बताएंगे वो हल्का सा, देखिए पानी दे दो मुझे ग्लास, तो ये जो है हल्का सा हो गया, और किसी ने कहा 2 चूल्हे डाले मैंने 2 चूल्हे पे जो है फ्राई किया, तो बहुत गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा,
और आज बाहर इस वक्त तो मौसम ठंडा, लेकिन किचन में बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा है। तो कैंडल भी साथ दिला के रखती हूं। अभी लेना है। थैंक यू, वेलकम। जजाकल्लाह। कभी भी मैं पानी की बोतल मेरे हाथ में रखी थी, पास काम करते करते पी रही हूं, क्योंकि खाने का टाइम था। तो मैं खाने से पहले जो है 10 पानी पी लेती हूं, खाना खाने खाती हूं। तो ये रसन हमारा हल्का सा जो है सोते हो गया। अब हम इसमें अपनी ये जो पीरियड टमाटर की, ये तकरीबन 1.5 कप है, ठीक है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर अपने लहसुन के अंदर। और कोई फालतू चीज़ नहीं डालेंगे इसके अंदर। और ये जो ग्रीन वाली, ये देखें ग्रीन वाली जो चिली है, ये हम थोड़ी डालेंगे, बाकी हम इसमें लगाएंगे दम फिर डालेंगे। ये मैंने छोड़ दी है, और मेरे मियाँ को, क्योंकि मैंने जो पहले बनाया था ना, वो मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाया था, वो स्पाइसी नहीं था। तो मेरे मियाँ ने आज की फरमाइश की कि आप जब बनाएगी तो आप शाजिया बीच में जो है ना सब्ज़ मिर्च जरूर बनाएंगे। सब्ज़ मिर्च गलती है, लेकिन मैं थोड़ा कम रखती हूँ। आज मैंने मसाले भी जो है अपने थोड़े करा रखे हैं, बच्चों के लिए सालन पड़ा हुआ है, खाना होगा तो ये भी खा लेंगे। मेरे जो बच्चा सालों पर बड़े आराम से अपने बच्चों को दे देती हूँ और वो खा भी लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जीरा, मैं भूल गई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने जो है एक टेबल स्पून भाकर जो है ना जीरे की भी डालनी है, एक टेबल स्पून, क्योंकि मेरा थोड़ा कम आया था। इस चम्मच को मैं इसको जीरे को भर देना, चम्मच मेरा खिला था। और ये देखिए इसको हम कर दिया बंद, और अब ये हमारा टमाटर पेस्ट जो है ये अच्छे तरीके से पकेगा। और फिर हम जो है ना 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। और ये सब्जी जो है ना बैंगन, ये मेरे बैंगन मेरे पूरी फैमिली को बड़ा पसंद है। स्टार्ट में मेरे बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन उनको मैंने इस तरीके से बार दफा बना के खिलाती ना, मेरे बैंगन बनाने का ये तरीका, ये तो फनी डिश है ना। तो ये जो बैंगन है मैं फ्राई करती हूँ, ज्यादा ऑयल डालती हूँ, उनमें फ्राई करती हूँ। देखिए आपको ये आधे जो है जले में नजर आ रहे हैं, आधे कच्चे कच्चे, इस तरीके से हमने बनाया। उसके अंदर आपको ऑयल भी नजर आ रहा होगा, जो मैं डालने कम पे फिर आपको पता चलेगा। अब देखिए हमारा 1 मिनट हो गया, छोटे छोटे मसाले हैं। अब अपने सारे मसाले जो है ना, ये जो अनार का पाउडर है ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है, ये इस रेसिपी में नहीं है। ये मैंने आपको कहा जब मैं रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें टच अपना देसी जरूर देती हूँ। तो ये जो अनार का पाउडर है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ये ऑप्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। नमक मैंने फिर कम रखा है, मैं चखूंगी उसके बाद, आज मैं नमक चखूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा बीपी जो है ना वो हाई है। लोगों मेरा बीपी जो है ना वो 2 साल हो गया, हाई होना शुरू हो गया था, मैंने फिर नमक कम कर दिया था। अपना कम किया बच्चों का भी हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो अब 2 दिन हो गया मेरा बीपी फिर हाई होने शुरू हो गया। इतना ज्यादा नहीं, 150 पे है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी होती है। तो फिर इसमें जो है मैंने बैंगन को भी नमक लगाया था, आपको बताया था कि जब मैंने बैंगन काट के रखती जाती थी तो 2 मिनट के लिए मैंने फिर नमक छिड़क दी थी। दो साइड का नमक छिड़क है और फिर जो है आपने फ्राई कर दिया। तो अब देखिए ये जो मसाला ये डाल दी सारा इसके अंदर, और साथ जो है मैं इसमें अच्छे तरीके से मारूंगी चम्मच। इसमें कुछ नहीं जाएगा, कोई दही नहीं जाएगा। जब हम इसको डिश आउट करेंगे फिर मैं इसमें दही डालूंगी, अभी नहीं मैडम इसके अंदर। और आप सोचे भी कितने मजे की ये रेसिपी है कि जिसके जो है अंदर दही नहीं जाएगा और ये खट्टे खट्टे बनेंगे बैंगन। और जो फनी डिश है ये बाकी रियल पूरी उसी तरह अनार डाले के पाउडर के अलावा। कुछ लोग दम दे देते हैं और कुछ लोग जो है ना, मैंने सबसे पूछा कि हम दम में भी बनाते हैं। और जब मुझे रेसिपी अच्छी लगी अपने अपने बच्चों के हिसाब से टेस्ट अच्छा आया, तो फिर आप जो है टेस्ट चलाने वाले शुरू हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढकेंगे और इसके अंदर हम 1 गिलास पानी लगा देंगे, ताकि हमारा जो पेस्ट है अच्छे तरीके से पक जाए। 1 गिलास, क्योंकि हमने बैंगन के ऊपर जो है ना उसके ऊपर हमने मसाला डाला, तो मैंने इसमें 1 गिलास बड़ा भर के जो है ना वो डाल दिया पानी का। अब जो है ना ये मसाले के अंदर गया, मसालों के साथ जो है ना टमाटर पेस्ट ने जंग शुरू कर दिया और वो जंग बड़ी स्पीड में है, इसलिए मैंने इसको ढक दिया। और साथ साथ जब अपने जो है हंसपे आदत अपनी सफाई जरूरी। और आज अभी मैं जब मैं बैंगन को फ्राई करी थी तो मेरे कहते कि जो है ना लगे से लगे चिकन बन रहा, मैंने कहा चिकन नहीं बन रहा, मैं जो है ना बैंगन बना रही हूँ अफानी स्टाइल में, कहते जबरदस्त हो गया। तो मसाले साथ करा रखना, तो मैंने कहा आपके लिए रखेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी ये वाला सारा चुकूंगी जरूर, लेकिन पूरी तरीके से बिल्कुल साथ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी जब आप पानी पी लेते हैं, आप ये ग्लास देखें, ये छोटा ग्लास है, मैं बड़ा ग्लास दिखाती हूँ। मैं पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीती हूँ। और ये देखें ग्लास, ये ग्लास मेरा पक्का है जिसमें मैं पानी पीती हूँ, और ये तकरीबन 12-13 ग्लास हो जाते हैं मेरे पानी के रोज के। और ये छोटा ग्लास अभी बेटी ने मुझे ला दिया बॉटल से, बॉटल पानी पीते हैं ना, ड्यूटी वाला पानी बोलते हैं। तो अब ये पानी साथ पीती होंगी, क्योंकि आज मेरे पास आलू थे लेकिन टाइम नहीं मिला, घर पर बच्चों के साथ थोड़ा उनके साथ वो जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम सेलिब्रेट करना उसकी तैयारी हो रही थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको 7 तारीख को खुशखबरी सुनाऊंगी, तो थोड़ा सरप्राइज है ना, रखना चाहिए थोड़ा सरप्राइज इंशाल्लाह। तो उसमें बिजी रही, थोड़ी सी पैकिंग करनी थी, हमने आउट ऑफ सिटी जाना है, तो उस वजह से फिर बिजी बिजी बिजी, और इस टाइम मगर के टाइम जाना खाने का टाइम आया। तो मैं शायद वीडियो ना बनाती, क्योंकि मुझे तो आती है रेसिपी और मजे की है, लेकिन मैंने कहा कि फिर अगर आज मेरी 1 दिन का वो हो जाएगा वीडियो ना लगाई तो ना हो जाएगा, मैं अपनी प्यारी फैमिली को क्या दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने कहा चले बच्चों के लिए खाना भी बन जाएगा और साथ मेरी वीडियो भी मेरी बहन तक पहुंच जाएगी। आपको पता है जो भी खाना बनाती हूँ ना वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, वो खाना हमारे घर में खाया जाता है, सब खाते हैं हमारे घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो खाना जो है सारा अगर बच भी गया ना तो बहुत छोटा छोटे बाउल में जो है बचता है, क्योंकि मैं इतना बनाती हूँ और इस तरीके से बनाती हूँ कि बच्चे शौक से खाते हैं। माशाल्लाह बस मेरे बच्चे 1 रोटी भी खा लेते हैं, वैसे तो पता है 1 रोटी हमारे घर में सब जो है 1 रोटी लग लेते हैं। इसकी आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं इस सालन को, और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी भी बनाऊंगी साथ, फिर भी शौक भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसका कवर खाती हूँ, अब इसको जो है ना हो गया टाइम तकरीबन 4 मिनट, 4 मिनट 26 सेकंड। तो ये जो है साथ साथ हमारा मसाला इस रेडी हो गया। अब मैं बताती हूँ कि मैंने करना क्या है, ठीक है, मसाला मेरा रेडी हो गया। अब मैं थोड़ा इसका नमक चेक करूँ, उसके बाद में अगला प्रोसेस बताती हूँ आपको। अगला प्रोसेस का क्या है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया, इसमें परफेक्ट नमक, असल में मुझे आदत है ना जितना मैं मेरा हाथ हिला है ना ये उतना ही नमक इसके अंदर जाता है, ठीक है। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी अलग अलग, क्योंकि मैंने इसको दम लगाना है, ठीक है, प्याज और टमाटर के साथ। तो मैं सारा प्रोसीजर आपके सामने करूँगी, ये मैं डाल दूँगी अपना सॉस सारा इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा सॉस रखूँगी तकरीबन 8-10 टेबल, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, जिसमें लाइन मानी रही है, सबसे पहले हम प्याज जिसमें बिरयानी की तैयारी करती है सेम इसी तरीके से आपने इसमें पहले लगाई है, बिल्कुल बिरयानी की तरह, ठीक है। हमने डाल दिया, हाथ मेरे वॉश है और मैंने इसको हाथों के साथ मैंने बैंगन को इसमें रखना है, ठीक है, बिल्कुल बिरयानी की तरह आप इसमें पहले रहेंगी अगर आप बनाई। और जरूर आप मुझे पता मेरी बहन जरूर एक ट्राई करेंगी, आज एक स्टूडेंट थी वो भी ये बात कह रही थी कि मुझे आपके खाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्रॉपर तरीके से बताती हैं, तो मैं ट्राई करूँगी। तो स्टूडेंट्स के पास कहाँ यूरोप में टाइम होता है, लेकिन उसको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। उसने ये बात देखिए, एक मैंने बैंगन के खा दी, अब एक जो है ना मैं टमाटर की लूँगी, ये मेरे पास 4 टमाटर थे, इनको मैंने काट के पहले रख दिया था कि मेरे पास टाइम की बचत हो जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँ, साथ साथ बताती जाऊँ कि मैं किस तरीके से अपना खाना बनाती हूँ। तो ना आता कि नहीं आता जो मेरी बहन है वो मुझे जरूर बताएंगी। अब इसके बाद मैंने सॉस डाला, ठीक है,
सॉस के नीचे भी है ना, अब मैं चूल्हे को भरूंगी थोड़ा सा आहिस्ता और फिर मैंने अब डालना है इसमें बैंगन की। आप आलू भी डाल सकते हैं, अगर आपको आलू पसंद है आलू डाल दें, लेकिन आप बैगन ज्यादा थे इसलिए मैंने आलू नहीं डाले। इसी तरीके से कच्चे आलू, आलू को आपने फ्राई नहीं करना, लेकिन ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि अगर आप आलू डालेंगे इसके अंदर तो फिर आपने आलू को इसी तरीके से बारीक बारीक काटना जैसे मैंने बैगन को काटा और टमाटर और प्याज को काटा, और फिर आपने इसको जो है ना लगाना है दम लगाना है। ठीक है मेरी बहनों, ये चीज भूली नहीं आपने। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज जो अपना रिंग टाइप काटा हुआ है, ठीक है मैंने रिंग की तरह इसको काटा। ठीक है मैं प्याज डाल बच्चा, इसका जो टेस्ट आएगा ना, अब मैं क्या आपको बताऊँ, अपने क्या कहते हैं अपने मुंह में अभी वो काम नहीं करना चाहिए। और यह बड़ी क्लासिक किस्म की रेसिपी है, टमाटर डाल दिया प्याज डाल दिया, अब मैं फिर बैंगन जो है वो डालू इसके अंदर। ठीक है साथ में अपना एक दो टेबल स्पून सॉस डाल दिया, क्योंकि सॉस में पकेगा, बाकी हमें किसी में नमक नहीं डाला। बैंगन के ऊपर से मैंने हल्का हल्का ना आपके सामने मैंने वो नमक डालने के साथ स्प्रिंकल किया था, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आपका नमक तेज हो जाए बाद में आपके घर वाले मेरे पे गुस्सा करेंगे जी मैंने रेसिपी बताई तो ये खराब हो गया, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर फिर मैं बैंगन डालूंगी और इतने मजे की फ्राई हुए आधे कच्चे आधे पके, क्योंकि आधा तो हमने इस बैंगन में इसमें पकाना ना। ठीक है आप देखिए जो मैंने ऑयल बताया था ना आपको, ये देखिए प्रेमियां है ना, अब ये भी डालूंगी मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें जो है ना वो ज्यादा डालता जाता है, लेकिन आप साइसर के साथ जब आप निकालेंगे ना तो आपका ऑयल जो है वो नहीं आएगा, जब आप प्लेट में डिश करेंगे ना तो आपका ऑयल जो है वो साइसर के ऊपर नहीं आएगा, आपका सिर्फ सालन आएगा, सॉरी आपका वो सिर्फ आएगा जो हमने जो मसाला बनाया ना टमाटर का, मैंने पेस्ट भी पनीर जो रखा हुआ काफी काफी देर से रखा हुआ है, साथ में सारे प्याज डाल दिए। और एक दफा जरूर मेरी बहन जो है ना इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और देखिए अब मैं आपके सामने सारे बैंगन डाल रही हूँ, जितने भी ऑयल को सारा जो अच्छे तरीके से हम लोग इसमें डाल देते हैं, चीज को ज़ाया नहीं करते और बैंगनों को हम निकाल देते हैं जामुन की तरह। ठीक है अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ टमाटर में प्याज में और बैंगन का टेस्ट कैसा आएगा, क्योंकि उसमें तो मसाला ही नहीं है। अब बताती हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया, इसको मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से जिस तरह हम लोग बिरयानी के खाते हैं ना ऐसे लगा देंगे। ठीक है ये लगा दिया। अब मैंने आपको कहा था कि जो ग्रीन चिली थी जो मैंने इस तरीके से काटी थी थोड़े स्टाइल मार्टी काटी थी, ग्रीन चिली का स्टाइल मारा था, तो ये जो है ना थोड़ी सी ये मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, जिसने खानी होगी वो ले लेगा, जिसने नहीं खानी तो वो जो है नहीं लेगा। अब मैं इसके ऊपर काटूंगी पहले ना तकरीबन दरमियानी आंच पे मैंने इसको कवर करना है। ठीक है और उस दम में हमारा सालन जो है ये पकवानी सालन हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है ये मैंने रख दिया, चूल्हे को मैंने दो नंबर पे कर दिया, आधे घंटे के बाद मैं देख के फिर आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पहुंचा, फिर डिश आउट करूंगी और साथ रोटी भी बनाऊंगी। फिर ये देखिए जी हमारा जो बैंगन है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसकी डेकोरेट के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए दही, ये मैंने तकरीबन एक कप पूरा भर लिया दही का, इसमें जो लहसुन की एक जोड़ा थी जैसे ये देखिए इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। ठीक है इसके अंदर मैं ये डालूंगी, इसमें वैसे जाता है पुदीने का पाउडर, ठीक है मेरे पास पुदीने का पाउडर नहीं, मेरे पास पुदीना ये देखिए इसको मैंने छोटा छोटा हाथ के साथ इसको मैंने हाथ के साथ जो है ना चूल्हे के साथ कर लिया चॉप। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा अपना कच्चा लहसुन और पुदीना पाउडर, वो सबसे बेस्ट है, मेरे पास इसको अवेल नहीं था, जो चीज़ मेरे पास है तो मैं वही डालूंगा। तो उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि जिसको आप डालें ना रायता रायता का बन जाएगा, जिसको हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, ये रेसिपी का ना इसी के साथ सारा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि जो मेरे पास है ब्रेड मिर्च थोड़ी सी ये डालूंगी इसके अंदर, और मैं इसको काटूंगी अच्छे तरीके से मिक्स मिक्स मिक्स, क्योंकि हमें जो है ना इसको डेकोरेट करना है। तो मैं कैसे करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, देखिए आधा घंटा हो गया खाना रेडी हो गया, और इसमें मैं डाल दूँ लहसुन पुदीने का पाउडर काफी मिर्च और नमक, मेरे पास पुदीने का पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इसको चॉप करके पुदीने के पत्ते डाल दिए। अब मैं इसमें प्लेट में डेकोरेट करूँगी आपको उसके सामने, ठीक है थोड़ा सा मैंने ये डेकोरेट किया। ठीक है आपके सामने मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मैं यहाँ से देखिए इस तरीके से उठाना है, ठीक है इस तरीके से और इस तरीके से इसके ऊपर रखना, और ये देखिए प्याज आपको नजर आ रहा है, टमाटर नजर आ रहे हैं, और सॉस मैंने जो है ना ज़्यादा खूब रखा है, क्योंकि जो है बच्चे मेरे सॉस के साथ ज़्यादा खाते हैं। ठीक है ये देखिए हमारे टाइम भी होंगे, ठीक है हमारा टमाटर भी पूरा आएगा, हर चीज़ जो है ना आपको वाजिया नजर आएगी। ठीक है अभी जो ग्रीन चीज मैंने आपको काटा ये वाली, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे डेकोरेट के तौर पर, और ये देखिए हमारी ग्रीन चीज इसमें आ गई, टमाटर भी आ गया, अभी चूल्हे के ऊपर अभी मैंने इसको बंद किया और बड़ा अच्छा इसका बड़े मज़े का जो है ना वो सॉस बन गया, और सॉस हमें चाहिए। ठीक है अब ये थोड़ा सा मैं प्याज लेना चाह रही हूँ, ताकि हमारा प्याज भी जो है ना वो सामने आना चाहिए, इसका देखिए लगती है। अब हम इसी के ऊपर थोड़ा सा अपना योगर्ट डाल वो डाल देंगे चम्मच के साथ। ठीक है ये देखिए कितने मज़े की रेसिपी बन गई है। ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए हमारा जो बैंगन है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसकी डेकोरेट के लिए क्या चाहिए, हमारे चाहिए दही, ये मैंने तकरीबन एक कप पूरा भर लिया दही का, इसमें जो लहसुन की एक जोड़ा थी जैसे ये देखिए इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। ठीक है इसके अंदर मैं ये डालूंगी, इसमें वैसे जाता है पुदीने का पाउडर, ठीक है मेरे पास पुदीने का पाउडर नहीं, मेरे पास पुदीना ये देखिए इसको मैंने छोटा छोटा जो है हाथ के साथ इसको मैंने हाथ के साथ जो है ना चूल्हे के साथ कर लिया चॉप। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा अपना कच्चा लहसुन और पुदीना पाउडर, वो सबसे बेस्ट है, मेरे पास इसको अवेल नहीं था, जो चीज़ मेरे पास है तो मैं वही डालूंगा। तो उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि जिसको आप डालें ना रायता रायता का बन जाएगा, जिसको हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, ये रेसिपी का ना इसी के साथ सारा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि जो मेरे पास है ब्लैक मिर्च थोड़ी सी ये डालूंगी इसके अंदर, और मैं इसको काटूंगी अच्छे तरीके से मिक्स 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 मिक्स, क्योंकि मैंने जो है ना इसको डेकोरेट करना है। तो मैं कैसे करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, देखिए आधा घंटा हो गया खाना रेडी हो गया, और इसमें मैं डाल दूँ लहसुन पुदीने का पाउडर काफी मिर्च और नमक, मेरे पास पुदीने का पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इसको चॉप करके पुदीने के पत्ते डाल दिया। अब मैं इसमें प्लेट में डेकोरेट करूँगी आप लोगों के सामने, ठीक है थोड़ा सा मैंने ये डेकोरेट किया। ठीक है आपके सामने मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से देखिए इस तरीके से उठाना है,
ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से इसके ऊपर रखना। और ये देखिए प्याज आपको नजर आ रहा है, टमाटर नजर आ रहे हैं, और सॉस मैंने जो है ज़्यादा खुद रखा है क्योंकि जो है बच्चे मेरे सॉस के साथ ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे टाइम भी होंगे, ठीक है, हमारा टमाटर भी पूरा आएगा, हर चीज़ जो है ना आपको वाजिया नजर आएगी। ठीक है, अभी जो ग्रीन चीज़ मैंने आपको कहा था ये वाली, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे डेकोरेट के तौर पर। और ये देखिए ये हमारी ग्रीन चीज़ इसमें आ गई, टमाटर भी आ गया, अभी ये चूल्हे के ऊपर आगे मैंने इसको बंद भी किया और बड़ा अच्छा इसका बड़े मज़े का जो है ना वो सॉस बन गया, और सॉस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है ना प्याज लेना चाह रही हूँ ताकि हमारा प्याज भी जो है ना वो सामने आना चाहिए। आगे अब हम इसी के ऊपर थोड़ा सा अपना योगर्ट है वो डाल देंगे चम्मच के साथ। ठीक है, ये देखिए कितनी मज़े की रेसिपी बन गई है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ये जी देखें मेरी मज़ेदार अफ़ग़ानी बुरानी बन जान रेसिपी जो है ना एग प्लांट के साथ आपको कैसी लगी, बैंगन के साथ, एग प्लांट तो इंग्लिश में कहते हैं, बैंगन के साथ आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ऊपर योगर्ट की चटनी डाली, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई और बाकी बहुत क्लासिक बनी, सब ने खाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मिर्ची भी मुनासिब थी। मैंने तो रोटी के साथ जो है ना, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं लेकिन ये रोटी के साथ खाई, बहुत मज़े की बनी। एक दफ़ा मेरी सारी बहनें ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, और यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।